हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टूर गाइड। दोस्तों, इस समर में अगर आप लोग सबसे छोटा एंड सबसे सस्ता वाला कोई पहाड़ों के टूर के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग नॉर्थ बंगाल की कालिम्पोंग, जो एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। वो भी पूरा कालिम्पोंग घूमने की टूर प्लान आप लोगों को बताने वाला हूँ, वो भी एक दिन में घूमने का प्लान, और पर हेड सिर्फ 800 रुपीज़ में आपका बजट, मतलब आप 800 रुपीज़ में एक दिन में पूरा कालिम्पोंग घूम के देख सकते हो, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। तो है ना मज़ेदार बात। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ अभी से लाइक कर दो, और जो जो फ्रेंड नए हो वो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। तो फ्रेंड्स, लेट स्टार्ट। दोस्तों, कालिम्पोंग जाने के लिए आपको सबसे पहले NGP स्टेशन पर आना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों के पास 9 या 10 लोगों का ग्रुप है तो आप वहाँ से एक शेयर कैब भाड़े पे ले लीजिए, और कैब वालों के साथ ऐसा बात कर लीजिए जो वो लोग आप लोगों को टोटल कालिम्पोंग घुमा के शाम तक NGP आके छोड़ देगा। दोस्तों, ये जो पैकेज है ना, ये टोटल कालिम्पोंग घूमने के लिए पूरा दिन का जो पैकेज है, ये एक कैब का 5,500 रुपीज़ तक हो सकता है। मतलब 5,500 में आप एक कार लेके पूरा कालिम्पोंग घूम के वापस NGP तक आ सकते हो। थोड़ा बार्गेनिंग करना होगा, क्योंकि नहीं तो ज़्यादा ले लेगा ये, 6,000, 6,500, 7,000 तक आप लोगों को चार्ज कर सकता है ये। तो आप थोड़ा बार्गेनिंग करके 5,500 तक आप घूम के आ सकते हो। तो अगर आपके पास 9 या 10 लोगों के ग्रुप है तो आपके पर हेड 5,500 से 600 रुपीज़ तक आपको पड़ेगा। ये 650 में आप पूरा कालिम्पोंग घूम के आ सकते हो। अगर आपके पास इतना लोग नहीं है, मतलब अगर आप 4 या 5 लोगों के मेंबर हो, तो अगर आप वहाँ से ऑटो पकड़ के सिलीगुड़ी NVSTC बस स्टैंड पर चले जाइए। तो सिलीगुड़ी बस स्टैंड पर जाके आप वहाँ से एक बस का टिकट खरीद लीजिए, जो सिलीगुड़ी से डायरेक्ट आपको कालिम्पोंग ले जाएगा। 2.5 घंटा टाइम लगेगा। इस 2.5 घंटे का जो सफ़र है ना, ये बहुत मज़ेदार होने वाला है। 110 से 120 रुपीज़ बस का फेयर है। जब ये 2.5 घंटा आप तीस्ता रिवर के पास साइड से आप जा रहे हो कालिम्पोंग, तब वो जो नज़ारा है ना, वो प्रकृति का जो खूबसूरती है, वहीं पे आपका दिल खुश हो जाएगा। तो आप कालिम्पोंग पहुंच गए। अगर आप सुबह 7 बजे तक आप बस लेते हो तो 9:30 से 10 बजे तक आप कालिम्पोंग पहुंच जाओगे। तो कालिम्पोंग पहुँचने के बाद बस स्टैंड के आसपास ही टैक्सी स्टैंड है, तो टैक्सी स्टैंड में जाके आप एक टैक्सी बुक कर लीजिए, जो 1,500 से 1,800 रुपीज़ में आपका 7 पॉइंट घुमा के, कालिम्पोंग के जो 7 पॉइंट है ना, साइड सीन का 7 पॉइंट, वो घुमा के आप लोगों के वापस वो बस स्टैंड पर आके छोड़ देगा। तो एक टैक्सी में आप 5 लोग आराम से घूम सकते हो। तो ये सारा दिन जो घूमने का प्रोसेस है ना, इससे आपका पर हेड बजट आएगा 300 से 350 रुपीज़। तो पहले आप बस स्टैंड के आसपास बहुत सारे अच्छे रेस्टोरेंट हैं, वहाँ पर जाके अपना जो ब्रेकफास्ट है कर लीजिए। ब्रेकफास्ट के बाद आप वो टैक्सी जो भाड़े पे ले लिया, उस टैक्सी से आप घूमने के लिए निकल पड़ो। तो पहले आप जाएंगे कालिम्पोंग घूमने के लिए, पहले आप जाएंगे डेलो पार्क। डेलो पार्क कालिम्पोंग की सबसे ऊंची जगह में एक है। तो यहाँ से आप पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हो, और यहाँ से कंचनजंगा की बहुत अच्छा व्यूज़ आपको मिलेगा। डेलो पार्क से आप जाओ कालिम्पोंग साइंस सेंटर पर, ये भी बहुत अच्छा प्लेस है, आप साइंस सेंटर ज़रूर विजिट करें कालिम्पोंग जाके। तो साइंस सेंटर के बाद आप वहाँ पर दुर्गा टेम्पल है, दुर्गा टेम्पल घूमने के लिए जा सकते हो। देन हनुमान टेम्पल, देन वहाँ से लॉर्ड बुद्धा स्टैचू एंड पार्क, देन वहाँ से आर्मी गोल्फ क्लब, एंड नेक्स्ट आप लोग दूरबीन मोनास्ट्री जा सकते हो। दोस्तों, दूरबीन मोनास्ट्री से पूरा कालिम्पोंग की जो पैनारोमिक व्यू है ना, वो आपको मिलेगा। उसके बाद आप जाना कैक्टस गार्डन, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ पर जाके आप बहुत सारे कैक्टस देख सकते हो। ये जो 8.7 या 8 पॉइंट है ना, ये पूरा घूमने के लिए आपको 4.5 से 5 घंटा आपको टाइम लगेगा। तो ये 5 घंटे में पूरा कालिम्पोंग की जो अच्छा अच्छा प्लेस है, ये घूम के आप 2:30 बजे तक वापस बस स्टैंड पर आ सकते हो। वो टैक्सी वाला आपको 2:30 बजे तक वापस बस स्टैंड पर ले आएगा। तो बस स्टैंड पर आके वो जो रेस्टोरेंट और होटल है, वहाँ पर जाके अपना लंच कर लीजिए। 100 रुपीज़ में आपको अच्छा खासा नॉन वेज लंच मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा लंच मिल जाएगा 100 रुपीज़ में। तो लंच करने के बाद वहाँ से नेक्स्ट बस ले लीजिए, 3:30 बजे तक अगर बस लेते हो तो शाम को आप सिलीगुड़ी पर आ जाएंगे। वो सिलीगुड़ी से आप फिर से ऑटो पकड़ के NGP स्टेशन पर आ जाइए, उसके बाद आप अपना घर, रात का ट्रेन में अपना घर। दोस्तों, ये है एक दिन का
कालिंगपोंग टूर। दोस्तों इस टूर में जो स्मॉल कार का जो रेंट है, टोटो, टैक्सी, बस सबका जो फेयर है ना, ये सब मिला के अपना ब्रेकफास्ट, अपना लंच एंड जो जो प्लेस आप घूमने के लिए जाओगी उस सबके जो एंट्री फीस है सब मिला के आप लोगों को पर हेड वो 800 रुपीज़ तक खर्च आएगा। ओनली 800 रुपीज़ में पूरा कालिंगपोंग आप इस प्लान के थ्रू अच्छे तरीके से घूम सकते हो। दोस्तों इस समर में आप लोग भी एक दिन के लिए कालिंगपोंग घूमने के लिए जा सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो एक दिन ही सही, अब जाके घूम के आइए। तो फ्रेंड्स अगर अच्छे लगे इस वीडियो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले कोई वीडियो में।